रेस करेगी, रेस करेगी। ये ड्रीम होता है जो अपने हाथों में मैं लेकर के रखा। 6-7-8 गर्लफ्रेंड है तुम्हारा। बहुत ही बल्की लगती है रोड। सॉरी भैया सॉरी। Hey guys, good morning, a very good morning from Kolkata. This is Hansal. Welcome back to my YouTube channel. उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग मेरे तरफ बढ़िया होगे, एकदम बढ़िया ही रहना गाइज। और आज व्लॉग की शुरुआत देख सकते हो मैं अपने घर से कर रहा हूँ, अपने सेटअप से कर रहा हूँ। व्लॉग को घर से शुरुआत करने का एक मेजर रीजन ये है कि मैं मस्त नींद से सो रहा था, लगभग 9:30 बज रहे थे। और ये जो है ना पीछे तरफ एक नई बिल्डिंग बनी है, नई फ्लैट बनी है, यहाँ पे ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जिसके वजह से ना बहुत जोरों का साउंड आया अचानक से। और इतना जोर का साउंड आया ना मतलब अचानक से नींद टूट गया, उसके बाद नींद आई नहीं, गटर गुटुर कर रही थी। तो मैं सोचा क्यों ना व्लॉग को स्टार्ट कर लिया जाए। अभी 2 दिनों से ना भाई मेरे इस तरफ के दांत में ना बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। वो अकल दांत बोलते हैं ना, नई दांत आती है एक एज के बाद में, इस कोने में वो वाली दांत अपनी आ रही है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। कभी कभी ना पेन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जा रहा है, मतलब जैसा ना फीवर टाइप का आ जा रहा है ऐसा करके पेन हो रहा है। फिलहाल आप लोगों को ना एक चीज दिखाना है, ये चेक करो मेरा जो सिल्वर प्ले बटन है ना उसका क्या हाल हो करके रखा है। यहाँ पे देख सकते हो जो अमन साव लिखा आता है ना फॉर पासिंग 1 लाख सब्सक्राइबर, ये पूरे सब के सब उखड़ करके कहाँ गिर गए भाई। एक्चुअली क्या है ना अपनी मम्मी ना रेगुलर सुबह में ना इसके ऊपर कपड़ा मार देती है, और इसके ऊपर रेगुलर कपड़ा मारने की वजह से ना इस पे से जो लिखा हुआ चीज था वो निकल गया। किस मेटेरियल से ये बना है पता नहीं, बट इसका वेट जो है ना बहुत ज्यादा। और भाई बहुत सारे व्लॉगर्स का, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर का ना ये ड्रीम होता है जो अपने हाथों में मैं लेकर के रखा हूँ। जो व्लॉगर्स है जो अभी अभी यूट्यूब स्टार्ट किए वो मेरी बातों से रिलेट कर सकते हैं। मेरा भी एक टाइम पे ये ड्रीम था, फिर बहुत मेहनत करी उसके बाद जाकर के ये मिला है। तो बहुत संभाल करके रखा हो इसको, ठीक है ना, मतलब अवार्ड जैसा फील होता है ये। कोई भी नया बंदा का घर में आता है ना तो देखता, ओ भाई साहब सिल्वर प्ले बटन है, मतलब अलग ही बात हो जाती है फिर तो। अभी आए थे गाइस इसके पास में, ठीक है, और रास्ता देख सकते हो पूरा रास्ता पूरा इधर से काट दिया मैं उधर से आने, मतलब एक्चुअली इधर से रास्ता है सीधा आने का, इधर से आ रहा था तो देखा ऐसे पूरा है, मैं फिर इधर से ना पूरा घूम करके आना पड़ा। देखो सारी गाड़ियां इधर से रिटर्न जा रही है, कोई इधर से जा नहीं पाएगा भाई, बहुत ज्यादा ऑफ रोड कर दिया। भाई ये क्या है यहाँ पे? ये दांत है, जेसीबी का दांत खुल गया। चीयर्स। यहाँ पे मैंने लिया है भाई मूढ़ी घुगनी, और ये पी रहा है नॉर्मल मूढ़ी घुगनी खा रहा हूँ, सुबह सुबह पेट ठंडा रहेगा। और इसमें अभी मैं डालूंगा ये छोटी वाली ना, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, मामा भुजिया जिसको बोलते हैं। पता नहीं कोलकाता के अलावा कहीं और मिलता है कि नहीं, मिलता है क्या कहीं पे बाहर? कहीं नहीं मिलता है आई थिंक, पता नहीं, हम भी नहीं खाया, यहीं पे ये मिलता है भाई, बहुत टेस्टी लगता है। इसके साथ में भाई के साथ चाय वाई पी करके भाई को मैंने घर पे ही वापस ड्रॉप कर दिया है। और अब भी भाई बहुत सारे काम हैं, शाम को ना मूवी का भी प्लान बन रहा है, बट क्या सीन ये है भाई दांतों में दर्द है, क्या करूं। और फिर ये जो हेलमेट है ना, हेलमेट की वजह से और भी इधर पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ रखा है, तो जिसके कारण से और अच्छे तरीके से मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। तो थोड़ा सा ना मेरा वो जो लिप्स है ना थोड़ा सा पर हो जा रहा है, मतलब थोड़ा सा तुतला तुतला जैसा मैं जा रहा हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाता है यार मेरे दांतों में। अबे ये तो सुप्रिया है, हे सिरी कॉल सुप्रिया। यार वो देखी मेरे को लेकिन रुकी नहीं। हेलो कहाँ पे हो? बॉल ग्रीन में। क्यों अभी तुम्हारे सामने से गया, देखी नहीं तुम? अरे नहीं यार मैंने देखा नहीं। अबे पल्सर लेके हूँ मैं। मैं इस तरफ जा रही थी थोड़ा सा, क्या आप लोग पूछते रहते हो सुप्रिया कहाँ गई कहाँ गई, ये देखो कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई भाई कहाँ गई, लगता है बहुत आगे चली गई। ये तो बहुत स्पीड में भी चलाती है ना, इसको एक बार जो क्रॉस कर गया पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। इधर आके खड़ी है। हेलो कहाँ जा रही हो कैमरा वैमरा लगा के? अरे वो मैं जा रही हूँ। किधर, क्या हुआ है? क्या टेंशन? तुम तो ना फोन उठाती हो ना मैसेज का रिप्लाई करती हो, अलग ही दुनिया में चली गई हो, क्या हालत करके रखी हो यार बाइक का? बाइक मैं सेल कर रही हूं। क्या कर रही हो? सेल कर रही। हाँ मैं देखा, क्यों सेल कर रही हो? कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अभी नहीं बता सकती हूं ना। मैं व्लॉग चल रहा। व्लॉग चल रही है, चलने दो। अरे यार सब पूछ रहे कहाँ गई सुप्रिया कहाँ गई, मैं क्या जवाब दूँ कहाँ गई सुप्रिया? मत छुओ मत छुओ, हटो हटो, मैं जा रही हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम है मेरा। क्या
थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाइक हटाओ ना, मुझे जाना है जल्दी, लेट हो रही है। यही सब तुम्हारा आदत तो हमको अच्छा नहीं लगता। अभी तो ढंग से बात कर रही है। यार तुम तो दूसरे लड़की के साथ व्लॉग बनाती हो ना, मेरे तो व्लॉग ही कर दिया तुमने, और क्या चाहते हो। अरे व्लॉग ही तो बना रहा हूँ, क्या करूँ। तो तुमको तो कॉल मैसेज करता हूँ, तुम्हारा तो कोई रिप्लाई नहीं है, तुम तो अलग ही दुनिया में रहती हो। अभी तुम इतना अच्छे से बात की 2 मिनट, फिर तुम्हारा मूड इतना ज्यादा स्विंग होता है ना। मम्मी बुला रही है घर से। इधर तुम्हारा घर है, इधर नहीं है, झूठ मत मारो। और हेलमेट लेके तुम मम्मी से मिलने जा रही हो, बेवकूफ बनाना किसी और को। ले वो गिर जा रही है। अभी तक तुमको बाइक चला अभी तक तुमको बाइक चलाना नहीं आया सुप्रिया, सच्ची का गिर जा रही हो तुम। हाँ चलाना नहीं आती है, ये क्या है, रैपिंग फोड़ दूंगी। अरे इतना दामी हेलमेट लियो AGV का, वो तो दिखाओ, पागल लड़की है पूरा। ओए सुनो ना मेरा बात, अरे सुन के जाओ। रेस करेगी है, रेस करेगी, रेस के मूड में आ रही है। मजाक कर रही हो तुम मेरे साथ, तुम्हारे AGV गिर जाएगा। सुनो ना, साइड में रुको ना, साइड में रुको ना प्लीज। बात ही तो कर रहा हूँ। अरे यार चाबी क्यों निकल रही है, पागल है। आप बोलो, अब तो जाने ही नहीं दूंगा, बात करके जाओ। क्यों कर रही, मुझे तुमसे बात नहीं करना है। 6-7-8 गर्लफ्रेंड है तुम्हारा, भाई कौन गर्लफ्रेंड है मेरा दिखाओ। कभी किसको कार से घुमा रही हो, कभी किसको बाइक से घुमा रही हो, तुमने कब देखा। मैं सब देखती हूं तो तुम। अरे यार हम लोग में वैसा रिलेशन थोड़ी है यार, गर्लफ्रेंड हो नहीं हो बाहर में जाए ना। हाँ ये भी सब बात। हाँ तो क्या हुआ, चलो हेलमेट दिखाओ। हेलमेट मत दिखो, मत करो मत करो, टूट जाएगा। अरे हेलमेट तो लेके जाओ, ये स्टार्ट होगा मेरे से। ओ भाई साहब स्टार्ट हो गया। ए ए भाइयो स्टार्ट हो जा भाइयो, क्या पावर है भाई, कितना शॉर्ट क्लच करके रखी है भाई 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 भाई। सॉरी भैया सॉरी, बंद हो गया यार भाई, अभी एक्सीडेंट हो जाता मेन रोड पे। अभी मैं गिर जाता, कितना जोर का लगा मेरे हाथों में। अरे हाथ तो मिलाओ यार, इतने दिन बाद मिली हो, हाथ तो मिला के जाओ। नहीं मिलाना, ऐसे ऐसे करके जाओ ऐसे। सच में जा रही हो? अरे हाँ, बात नहीं करोगे? क्या बात करना है तुमसे, बोलो क्या बात करना है। चलो चाय पी के आते हैं। मैं चाय नहीं पीती हूँ, सॉरी। क्यों? मैं किसी लड़के के साथ चाय नहीं पीती हूँ। झूठ मत बोलो, तुमको मैं देखता ही रहता हूँ इधर उधर। चुप कर, तुम्हारे जैसे लड़की के साथ चाय पीती हूँ क्या, गाड़ी में घुमाती हूँ। अरे रुक जाओ ना, ओए मूड खराब है, जाओ यार से। क्यों मूड खराब है तुम्हारा, मर जाऊंगी। ऐसा बोल के मत जाओ पागल, ऐसा नहीं बोलते है मरने वरने का बात। तुम मर जाओ, मैं मर जाऊँ। अरे सुन के जाओ यार, ये तो अलग ही है। लड़की लोग को समझ पाना ना, मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। लड़की लोग को इजीली कोई नहीं समझ पाता है, इन लोगों का दिमाग में कब क्या चलता है, कब किसकी बातें सुनती है भाई, कुछ कुछ आइडिया नहीं लगा पाओगे। इनका लाइफ पूरा इनके मूड के हिसाब से चलता है, और इनका मूड बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, मूड स्विंग्स जिसको बोलते हैं। फट से कुछ अच्छा लग जाएगा, फट से कुछ खराब लग जाएगा, फट से कभी ये कभी वो। भाई आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि मैंने उसको देख करके कॉल किया या उससे मिलने मिलने का कोशिश किया, तो ये सब सही किया या गलत किया, क्या है जो भी है भाई, आप लोग थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताओ। शूट वगैरह कंप्लीट करके अभी आ चुके हैं हम गाड़ी में, और भाई यहाँ पे लाइट वाइट चला दिया ताकि हम अच्छे से शूट कर सके। यहाँ पे अपने साथ में चमन भाई है, और भाई यहाँ सामने देखो ये किधर गया, सनरूफ से निकल करके फुल मौज लिया जा रहा है। अंदर एम्बियंट वगैरह भी लगा हुआ है भाई होंडा सिटी में, मस्त लग रही है। पीछे बम्पर पे क्या बोलते हैं ना उसको, बम्पर का क्या बोलते हैं, वो पीछे जो लगा हुआ है एग्जॉस्ट के वहाँ पे, अरे क्या बोलते हैं पागल आदमी पता नहीं है भाई झूठ बोलते हैं पता है। अरे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजर ना क्या बोलते हैं, डिफ्यूजर बोलते हैं गाइस। यहाँ देखो एग्जॉस्ट पे चार एग्जॉस्ट दिख रहा है ना आप लोगों को, तो इसी को डिफ्यूजर बोलते हैं। मैंने सोचा था कि अपनी क्रूज पे भी इस तरीके से लगाएंगे, और पीछे जो ये लाइट देख रहे हो ना, ये लाइट भी मैं सोचा था क्रूज पे लगाएंगे, बट भाई पैसे खत्म हो गए कुछ कितना करूँ क्या ही करूँ। और ये लेफ्ट साइड में ना अपने ग्लॉस्टर चल रही है, बहुत ही बल्की लगती है, रोड पे चलती है, तो इनोवा वगैरह तो इसके सामने बच्चा लगती है ऐसा कोई बात नहीं भाई, लेकिन फॉर्च्यूनर से बड़ी लगती है ये वाली। फॉर्च्यूनर से हाइट में लंबा
फोर व्हीलर्स का ना थोड़ा थोड़ा नॉलेज हम भी गैदर कर रहे हैं, गैदर नहीं कर रहे मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है। इंडेवर आ गया, उधर इंडेवर खड़ी है और इधर पे ग्लॉस्टर खड़ी है एमजी की। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं एक्चुअल में, जैसे कि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था मूवी का प्लान है, बट मूवी का प्लान कैंसिल हो चुका है, तो अभी हम लोग थोड़ा न्यू टाउन के तरफ में आए। एक्चुअली इसका काम था इधर पे आने का, तो मैं भी इसके साथ में ऐसे चलाया, थोड़ा सोचा सूट वगैरह कर लूंगा, रील्स वगैरह बना लूंगा, क्योंकि न्यू टाउन में ना जो वो जो रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, बिस्सू बंगला गेट, बिस्सू हैंगिंग रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छा है, तो उधर पे एक दो रील्स निकालेंगे भाई। और इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। सबसे पहले हम लोगों ने मोमो लिया, सूप लिया, सूप यहाँ पे खत्म हो गया क्योंकि भूख बहुत जोरों की लगी थी। यहाँ पे सैंडविच आया, अभी सैंडविच आप लोगों को दिखा पाया, और एक अलग से मैंने सूप ऑर्डर किया क्योंकि सूप खाने का मन कर रहा है, दांत में दर्द है ना, तो सब कुछ ज्यादा स्पाइसी वाली चीज नहीं खा पा रहा। यहाँ पे अभी हम लोगों ने तीन चार चीजें खाई बट भाई पेट नहीं भरा, एंड में जाकर के हम लोगों ने रोल लिया। और आप लोगों को जो ये वाला व्लॉग किसी भी कारण से पसंद आएगा, व्लॉग को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।